बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अरशद तनोली। नाज़रीन, जमहूरी सिस्टम जहां भी होता है वहां पे सियासतदान का बहुत अहम किरदार होता है। सियासतदान चाहे लो लेवल का हो या हाई लेवल का, चाहे वो ऐवान में बैठा हो, किसी वफाक में बैठा हो, किसी सूबाई असम्बली में बैठा हो या किसी ज़िली तंजीम में, बहरहाल सियासतदान का जमहूरी सिस्टम में बहुत अहम रोल होता है। और सियासतदान कहते हैं कि जो भी सियासतदान जमहूरी सिस्टम में जो भी सियासतदान स्ट्रीट लेवल से ऊपर आता है वो आवाम के मसाइल को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। पीटीआई की तरफ से बाकायदा तौर पे एक ट्रेडिंग विंग तश्कील दी गई है और जिसका ताजरों के मसाइल के हवाले से बहुत अहम किरदार होगा। मैं भी कि ये आइंदा आने वाले वक्तों में ताजरों की एक बहुत बड़ी नुमाइंदा तंजीम बनकर उभरे। ज़ाहिर है मुआशी सिस्टम जो है वो ताजरों का बिल्कुल जाम होकर रह गया है। कोरोना की वजह से जहाँ पर आपको फिज़िकली मसाइल हैं, जहाँ पर भी आपको बीमारी का ख़दशा है, चाहे वो ताजर है चाहे वो आवाम में कोई भी बंदा है, आजकल बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है। और उस बेरोज़गारी की वजह से कि क्या हम अगर बीमारी से बच जाएंगे तो माशी तौर पर कहीं भूखे तो नहीं मर जाएंगे। तो ये जो ट्रेडर विंग है, इसी ट्रेडर विंग के वाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं राजा केसर क्यानी साहब, जो मरकज़ी नायब सदर हैं तहरीक इंसाफ ट्रेडर विंग पाकिस्तान के सदर हैं सराफा यूनियन के साथ का बात के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। राय साहब, आप मरकज़ी नायब सदर हैं तहरीक इंसाफ ट्रेडर विंग के, पहले तो ये बता दें कि ये जो आरएडी तंजीमें मौजूद होने के बावजूद पीटीआई को क्या सूझी है कि उन्होंने ये तंजीम बना ली? बहुत शुक्रिया जी तनोली साहब, आपका और स्पीड न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया मैं यहाँ पर आवाम के सामने अपनी बात कर सकूँ। अब बात नहीं जी, ट्रेडर्स विंग आपने सवाल किया कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ी और ये क्यों तश्कील दिया गया। हर पार्टी के स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ शोबों के लोगों को इंगेज किया जाता है और हर पार्टी के अंदर मुख्तलिफ विंग्स होते हैं, जैसे यूथ विंग, लेबर विंग, इस तरह। मुझे, मैं आपको बताऊं कि बड़ी खुशी की बात है कि पीटीआई ने यह फ़ैसला किया कि ट्रेडर्स विंग को मरकज़ी सतह पे लाया जाए। इससे पहले हमारा ट्रेडर विंग मौजूद था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके बाद हमारी काविशें चलती रही। मैं 2013 में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना था ट्रेडर्स विंग का, उसके बाद मैं डिवीजन का प्रेसिडेंट रहा हूँ। और हमारी कोशिश ये रही कि हम पार्टी को इस बात पे ला सकें और उनसे ये काम करवा सकें कि इसको मरकज़ी सतह पे आप ऑर्गेनाइज़ करें। उसके पीछे एक सोच थी, वो सोच ये थी कि इससे पहले जितनी भी पार्टीज रूलिंग में रही उन्होंने ताजरों को तकसीम करने का फार्मूला बनाया। उस तकसीम में इन्होंने ये किया कि आप जायज़ा ले लें लाहौर का, रावलपिंडी का, कराची का, जितने बड़े शहर हैं उनका आप जायज़ा ले लें, ताजर आपको दो तीन दड़ों में तकसीम नज़र आएगा, आपको हर जगह पे दो तीन अनमने ताजरान नज़र आएंगे। उसकी बेसिक लॉजिक क्या थी और वो पार्टीज़ ने इन्होंने इस चीज़ को क्यों प्रमोट किया कि एक शहर में एक ही पार्टी की सपोर्ट करता तीन तंजीमें क्यों मौजूद थी? उसकी बेसिक वजह यह थी कि कोई पार्टी ये नहीं चाहती, क्योंकि ताजरों को लूटा जाता है, कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि ताजर मजबूत हो जाएं, इनका एक बाकायदा स्ट्रक्चर बन जाए और इनके जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती और कोई ये नहीं चाहता कि ये मुतहद हो के बड़ी एक स्ट्रक्चर आ जाए और कल हुकूमत को कोई टफ टाइम ये ना दें, इस खौफ से ताजरों को तकसीम किया जाता है। और यही पॉलिसी इससे पहले रही, क्योंकि मैं एक सियासी वर्कर था और मैं ट्रेडर्स के शोबे से वाबस्ता हो गया 2005 में, तो मुझे ये चीज़ नज़र आती थी कि जब तक हम इसको एक प्रॉपर तंजीम नहीं बनाएंगे और पाकिस्तान लेवल पे नहीं बनाएंगे, ताजरों के मसाइल हल नहीं हो सकते। इस हवाले से मैं पार्टी को इंसिस्ट करता रहा जी कि आप इसको मरकज़ी सतह पे लेके आए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सैफुल्ला खान न्याजी साहब का और बाकी टीम का, मरकज़ी टीम का, जिन्होंने हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझा और ट्रेडर विंग को बाकायदा मरकज़ी पोजिशन दी। अब आते हैं जी कि ट्रेडर्स विंग बनाए, इसके मकासद, और दूसरा इसकी जो दूसरी जो आप बता रहे हैं मैंने ताजरान, ट्रेडर्स विंग हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर दे रहे हैं जिसमें हर शोबे की नुमाइंदगी भी होगी। मरकज़ी हमारा ट्रेडर्स विंग अनाउंस हो चुका,
जिसमें हमने हर सूबे से नुमाइंदगी ली। अच्छा ये बता दें कि एक तो ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें जहाँ आवाम को मसाइल हैं वहाँ पे ताजरों को बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। इस लॉकडाउन में आपको तकरीबन अभी अप्रैल से लेकर अभी 3 माह हो गए हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे ताजरों के आवाज़ उठ रही है कि लॉकडाउन की वजह से उनके चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, उनका कारोबार तबाह हो गया है। तो आपकी तंजीम ने अभी तक इस मामले में क्या किरदार अदा किया है, क्या आपने आला वन तक ये बात पहुँचाई है कि इन लोगों के मसाइल हल किए जाएँ? हमने इस हवाले से अपनी गवर्नमेंट को सिफारिशात भेजी, उसमें हमारी जो बड़ी कामयाबी है वो ये है कि जो आपने अभी देखा इस मंथ में बिजली के बिलों में रिलीफ आया ताजरों को, और एक बड़ा अच्छा रिलीफ है कि अब मैं एक छोटी यहाँ पे एक दुकान का हवाला देता हूँ कि 25,000 का रिलीफ उसको मिल रहा है, ठीक है, एक दुकान को। तो वो आगे 3 महीने तक उनके बिलों से कटौती हो रहेगी, होती रहेगी। ये एक बहुत अच्छा रिलीफ हमें फर्स्ट टाइम मिला। इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने कुछ कर्ज़ों की स्कीम्स निकाली कि ताजर वहाँ से कर्ज हासिल कर सकते हैं अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, हुकूमत उनके साथ तआवुन करेगी। तो वो इंशाअल्लाह ताला अपने किसी शोबे को वो नहीं छोड़ेंगे, हर शोबे की मदद करेंगे। ताजर इससे पुरउम्मीद रहें, जो ज़रूरत है जिस चीज़ की आज ज़रूरत है वो ये है कि हम इस बीमारी को समझें कि एक वबा है, पूरी दुनिया में फैल चुकी है, और हमने मिल के मुकाबला, कोई एक गवर्नमेंट इसका हल नहीं निकाल सकती, हमने मिल के इसको अपने एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना है, अपने कारोबार में, अपने घरों में, अपने दीगर मामलात में हमने कोशिश ये करनी है कि इन चीज़ों पे जितनी एहतियात हो सकती है जो SOPs गवर्नमेंट ने बनाए उस पर हम अमल दरामद करें। अच्छा चलें ये बता दें कि बेसीत ताजर आप क्या समझते हैं कि ताजरों ने SOPs पर अमल किया, अभी जो लॉकडाउन में नरमी हुई है तो क्या SOPs पर अमल किया गया बाकायदा तौर पर? जी मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि ताजर उस तरह से नई SOPs पर अमल दरामद कर रहे। मैं इस पर गुजारिश भी करूँगा ताजरों से कि आप, हमने उसके लिए अवेयरनेस कम्पेन भी हम चला रहे हैं ताजरों के लिए कि ताजर इसको ज़्यादा से ज़्यादा अमल दरामद करे। कोरोना के खिलाफ जंग में इस वक्त जो फ्रंट लाइन पे बेसीत फौजी लड़ रहे हैं वो डॉक्टर हैं, और डॉक्टर जो है वो रो पीट रहे हैं जी कि आप लॉकडाउन कर दें, आप इस नरमी ना करें, हमारे मसाइल बढ़ रहे हैं, डॉक्टर ख़ुद कोरोना का शिकार हो रहे हैं। देखिए जी, अगर हम कहें ना कि सोल्यूशन, तो सोल्यूशन ये है कि लॉकडाउन सख्त हो, ठीक है, लेकिन जब हम अपने मुल्क के हालात देखते हैं तो उसमें हमें इससे इसको दरमियाना एक रास्ता हमें निकालना पड़ता है। जब हम ताजर प्रादी के हालात देखते हैं, हम आम आवाम को देखते हैं, तो हमें दरमियाना रास्ता निकालना पड़ता है, और उसी को अभी तक फॉलो किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को आवाम का दर्द है, उनको एहसास है इस बात का कि इस आवाम को अगर हमने अंदर बिठा दिया और इनको हमने सख्ती की तो खुदा ना खास्ता ये लोग भूख से ना मर जाएं। अच्छा आखिरी सवाल है, चूँकि आप सदर हैं सराफा यूनियन साहब का बात के, तो बैसीत सदर आपकी जो यूनियन, आपके जो लोग हैं, आपके क्या मसाइल हैं, और आपने अपने कम्युनिटी के कितने हद के साथ तक मसाइल का अजाला किया? देखें जी, हमारी ज्वेलर्स कम्युनिटी बड़ी मुनज़्ज़म और बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिटी गिनी जाती है ट्रेडर्स में। अगर आप यूनिटी देखनी हो तो ताजरान सारे मिसाल देते हैं ज्वेलर्स की कि जब कोई ज्वेलर तय कर लेती है ज्वेलर एसोसिएशन हड़ताल की तो सारे बाज़ार बंद हो जाते हैं, हर जगह पे उसको ओबे किया जाता है। तो ज्वेलर्स कम्युनिटी का बाकी जो दीगर ताजरों की तरह के मसाइल हैं, उसके अलावा एक और अहम मसला जो है वो है दफ़ा 411 है, जिसमें ताजर हमारे जो ज्वेलर्स है उसको लूटा जाता है, इंतज़ामिया की काली बेड़े जो उसमें मौजूद हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हुए ताजरों को लूटती हैं। मेरा, क्योंकि मैं ताजर ज्वेलर्स का नुमाइंदा हूँ और मुझे मौका मिला कि मैं मरकज़ी ट्रेड विंग का हिस्सा बना और रूलिंग पार्टी का हिस्सा बना, तो मेरे फोकस में ये भी है कि हम इस जो 411 से जो नाजायज़ ताजरों को तंग किया जाता है उससे छुटकारा दिलवाएं ज्वेलर्स कम्युनिटी को। इंशाअल्लाह ताला हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं, और मेरे अल्लाह पाक ने करम किया तो इंशाअल्लाह ताला हम इस मामले में कामयाब होंगे, और ताजरों, हमारी जो ज्वेलर्स कम्युनिटी है उसको रिलीफ मिलेगा, और इस तरह कोई उनको तंग नहीं कर सकेगा और उनको लूट नहीं सकेगा इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच।